ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। मिनट 10 मिनट जुड़ने में लग जाता है, यहाँ सब लोग अपने आप जुड़ जाते हैं, इसलिए सब तुरंत आ जाया करो जैसे ही टाइम हो, ठीक है? 2 मिनट पहले ही जुड़ जाया करो। रूपाली, नीरज, मोहिनी, जल्दी जल्दी आया करो। 5 मिनट बीत जाते हैं तब तुम लोग आ रहे हो, 4 मिनट बीत चुका है, समझे नीरज? तो कल चले थे, प्रॉब्लम वगैरह देखी थी कि हमारे देश में कृषि में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। अब हम देखेंगे उनके लिए क्या उपाय सरकार ने किए हैं, किस किस तरह के सुधार किए गए हैं। एग्रीग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देवेंद्र जल्दी आया करो, ठीक है? अनुराग, देवेंद्र, राम, नरेश, 5 मिनट बीत जाते हैं तब तुम लोग आते हो। अब नवनीत देखो, नवनीत, दीपक पटेल अब आ रहे हैं, 2 मिनट पहले से ज्वाइन किए रहा करो, ठीक? तो क्या सुधार किए गए? मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू मेक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कृषि से संबंधित सुधार के लिए सरकार ने क्या उपाय किए? एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स, कृषि से संबंधित सुधार, ठीक है? रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो वी हैव सीन देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, सो गवर्नमेंट हैज मेड सम रिफॉर्म्स, कुछ सुधार किए सरकार ने, जब बहुत सारी अपने देश में कृषि से संबंधित समस्याएं देखी। अब ये जो सुधार हैं 3 तरह के हैं। The agrarian reforms can be categorized in 3 types, 3 classes, 3 वर्गों में हम कृषि से संबंधित सुधारों को रख सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स, थर्ड जनरल रिफॉर्म्स। ये 3 तरह के सुधार हैं, तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधार और सामान्य सुधार। सामान्य सुधार में इन दोनों के छोड़ के जो आते हैं वो सब चीज़ें हैं। तो आप इन सब के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अंडर टेक्निकल रिफॉर्म, तकनीकी सुधारों के अंतर्गत जो सबसे पहला है वह है उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का प्रयोग, उच्च उत्पादकता वाले उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग। तो इन 1965 इन अवर कंट्री फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड एट दैट टाइम। फर्स्टली वी यूज HYV सीड्स विद केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सीन दैट द प्रोड्यूस वाज वेरी हाई देन बिफोर। सबसे पहले हमने 1965 में अपने देश में जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो गेहूं में सबसे पहले हमने उन्नत किस्म वाले बीजों को, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया। तो इनका जब पहली बार प्रयोग हुआ गेहूं में तो हमने देखा कि उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। देन इन 1967 अगेन वी यूज दिस काइंड ऑफ सीड्स फॉर राइस। इसके बाद 1967 में ऐसे ही बीजों का प्रयोग किया गया चावल के लिए, पहले गेहूं के लिए हुआ था फिर हुआ चावल के लिए। अगेन द सक्सेस वॉज रिप्लिकेटेड, फिर से वो सफलता दोहराई गई, वही सब चीज़ें फिर से देखा गया कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, प्रोडक्शन ऑफ राइस वॉज मेनी टाइम्स मोर देन अर्लियर। Then HYV seeds were made for bajra, maize, jowar and cotton,
means all types of crops. Because of that the crop productivity was increased. इसके बाद हमने क्या किया, बाकी जितनी भी तरह की फसल थी, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, इन सब के लिए हमने उच्च उत्पादकता या उच्च उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग किया, उनके लिए हमने विकसित किए बीज, जिससे कि उत्पादन कई गुना बढ़ गया, बहुत तेजी से बढ़ गया और हमारे देश में हरित क्रांति आ गई। ठीक है, अब ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये एक संस्था बनाई गई, निगम बनाया गया, नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज सेट अप टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड, उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों को, हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों को बढ़ावा देने के लिए, उनका वितरण को बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई। इन 2016-17 नियरली 620,743 क्विंटल्स ऑफ सर्टिफाइड सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नहीं पढ़ रहा है सभी को या दिक्कत आ रही है? अब सही हो गया ना? तो 2016-17 के टाइम पे ये कितने लाख हो गए, 6,20,743 क्विंटल सर्टिफाइड बीज, सर्टिफाइड बीज मतलब प्रमाणिक बीजों का वितरण किया गया देश के विभिन्न कोनों में, किसानों को प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराए गए ये HYV सीड वाले। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम नो ये टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सॉइल, टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज। पहले हम लोग क्या करते थे, मैन्यूर्स यूज करते थे, जो जीवाश्म है, जीवांश बनाते थे, गोबर वगैरह सड़े गले पत्तियों से बनाते थे, उसका यूज करते थे, तो वो कम इफेक्टिव था। फिर हमने क्या किया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू कर दिया, रासायनिक खादों का यूज करना शुरू कर दिया। सो बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आवर प्रोडक्शन इंक्रीज, हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ गया इन सब रासायनिक खादों के प्रयोग से। तो इन 2017-18 नियरली 265.9 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज, 265.9 लाख टन रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया 2017-18 में। अब यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल की सुरक्षा के लिए, फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशक, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जो कीटनाशक कीट पतंगे को मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए दवाएं होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, कीड़े मकोड़े इन सब को मारने के लिए इन सब का यूज किया गया। तो इससे क्या होता है, जो भी ये कीड़े वगैरह होते हैं सब मर जाते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, तो हमारी जो फसल है वो बच जाती है। अवर क्रॉप इज सेव्ड फ्रॉम हार्म, सेव्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्सेट्रा। सो इन 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स, यहाँ पे हमारे देश में 14 केंद्रीय प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं, पौध सुरक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 14 केंद्रीय पौध सुरक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए हैं, पौधों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए, उनसे संबंधित पेस्टिसाइड वगैरह कौन सा कैसे यूज करें इन सबको समझाने के लिए। फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज आल्सो अडॉप्टेड, या इंटीग्रेटेड समेकित पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम भी शुरू किया गया। और इसके बाद साइंटिफिक फॉर्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पुराने ढंग की जो हम खेती करते थे कन्वेंशनल मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में, तो
उसमें क्या होता था, उत्पादन कम होता था. व्हेन वी प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन कन्वेंशनल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज लेस. सो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट वाज इम्प्रूव्ड, मीन्स प्रोमोटेड. साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट वाज प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया, लोगों को समझाया कैसे वैज्ञानिक खेती की जा सकती है, हाउ दे कैन चेक द क्वालिटी ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड मानसून, दे शुड प्रोड्यूस विच टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विल बी गुड फॉर दियर प्रोडक्शन, दियर सॉइल, दियर एटमोसफियर. उनका जो भी एटमोसफियर है, जो भी सॉइल की क्वालिटी है, मौसम जैसा है, उसके आधार पर बताती थी सरकार की कौन सी तरह की फसल को लगाया जाए, कौन सी फसल ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, हाउ टू प्रिपेयर सॉइल, कैसे सॉइल का प्रिपरेशन किया जाए, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए. रोटेशन ऑफ क्रॉप मीन्स चेंजिंग द क्रॉप एवरी ईयर. फर्स्ट ईयर इफ यू आर सोइंग ग्राम्स, नेक्स्ट ईयर वीट, देन नेक्स्ट ईयर सम अदर क्रॉप. जो भी फसलें हैं उनको रोटेट किया जाए. रोटेट का मतलब बारी बारी से उनको बदला जाए. पहले एक फसल, जैसे इस साल हमने चना लगाया, तो अगले साल फिर गेहूँ लगाया जाए, उसके बाद फिर कोई और फसल लगाई जाए, उसके बाद फिर गेहूँ चना, ऐसे मतलब कि चलता रहे, चेंज होता रहे, रोटेशन चलता रहे. बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप इम्प्रूव. जब हम रोटेशन करते हैं फसलों का तो इसकी उत्पादकता बढ़ जाती है. सिलेक्शन ऑफ सीड, बीजों का चुनाव कैसे करें, कौन से बीज, एच वाई वी सीड वगैरह, उन सब के बारे में बताया गया, समझाया गया. यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड्स अदर्स, अब इन सब के अलावा और जो भी जो मैनेजमेंट है, उन सब के अलावा ये सारे काम किए गए हैं. फर्टिलाइजर्स को कैसे यूज किया जाए, हाउ मच, हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज इन ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन पर, फॉर वन हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड, हाउ मच फर्टिलाइजर शुड बी यूज, कौन सी रासायनिक खाद को कितना यूज किया जाए. एक हेक्टेयर की अगर जमीन है तो उस पर कितनी खाद हम यूज करेंगे, कौन सी खाद यूज करेंगे, ठीक है. अब इसके अलावा ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये भी शुरू हुआ, ये 1965 में या 64 में ऐसे कुछ शुरू हुआ. एक सेकेंड चेक कर लेते हैं इसको. इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम है. तो में ये तो डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, एरिया प्रोग्राम देखते हैं. 1964-65 में शुरू हुआ, ठीक है. इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम ये शुरू हुआ 1964-65 में. 1961 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एरिया की जगह अगर डेवलपमेंट यानी विकास कर दें तो वो हुआ है 1961 में. इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964-65 में शुरू हुआ. ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, ये भी शुरू हुआ, ठीक है. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मीन्स टू डेवलप द रूरल एरियाज इन एवरी स्फीयर, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र को क्या करना है, उसका विकास करना है, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे और वो, सब में विकास करना है, तो उसको भी शुरू किया गया. तो 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर आल्सो इंगेज इन प्रमोटिंग इन रिसर्च ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन, वैज्ञानिक
विद से कैसे खेती हो इसको बढ़ावा देने के लिए, उनमें रिसर्च करने के लिए 23 हमारे देश में कृषि यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो भी सबके काम में लगे हैं। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, खेती की मशीनीकृत साधन, खेती के मशीनीकृत साधन। तो अब इसमें क्या है, मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। सेवरल मेजर्स वर अडॉप्टेड टू इंक्रीज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन टू प्रमोट द फार्मर्स। दे वर आल्सो प्रोवाइडेड सम फाइनेंशियल फैसिलिटीज सो दैट दे कैन बाय मशीनरीज, मेनी न्यू एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज वर आल्सो established which were producing the agricultural implements, बहुत सारे कृषि से संबंधित औजार बनाने वाली, उपकरण वाले बनाने वाली जो उद्योग थे उनको भी बढ़ावा दिया गया, ठीक है। अब सस्ते दर पे ये मशीन पा जाएं इसकी भी व्यवस्था की गई, उनको ऋण देने की भी व्यवस्था की गई जिससे खरीद सकें। तो ये जो सस्ती दर पे खरीदने के लिए, सस्ती दर पे फाइनेंस की व्यवस्था की गई, ऋण की व्यवस्था की गई, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह बनाई गई, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर एस्टेब्लिश। दे प्रोवाइड चीप लोन, चीप क्रेडिट टू फार्मर्स टू बाय एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कृषि संबंधित उपकरण बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियाँ जो हैं सस्ती दर पर लोन देती हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कॉमर्शियल बैंक्स वर आल्सो एस्टेब्लिश। वाणिज्यिक बैंक जो हैं गांव में, पहले गांव-गांव में वाणिज्यिक बैंक नहीं थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था हमारे देश में, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, जिसके बाद क्या हुआ, गांव-गांव तक बैंक पहुंच पाए, इसलिए ये काम किया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था 1969 में। और प्रेजेंट टाइम में तो सब जितना भी सरकारी संपत्ति है वो निजी बन रही है, और पहले के टाइम पे ऐसा था कि सब निजी संपत्ति को सरकार अगर समझती है कि ये लोगों के हित में है तो उसका अधिग्रहण कर लेती थी। अब उल्टा चल रहा है, सरकारी संपत्तियां सब सरकार बेचे दे रही है। मार्जिनल फार्मर एजेंसीज बनाए गए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज बनाए गए, छोटे लघु और सीमांत किसान की संस्थाएं बनाई गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए। ये सब मिलके क्या करते थे, किस क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर लोन की व्यवस्था करते थे, ठीक है। तो ये सब हुआ किसमें, टेक्निकल रिफॉर्म्स में। टेक्निकल रिफॉर्म्स के बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, भूमि संबंधी सुधार या संस्थागत सुधार। तो अब इसके अंतर्गत क्या आया, सबसे पहले अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मध्यस्थों का अंत। मध्यस्थ कौन थे, जमींदार, लैंड लॉर्ड। During the British period, there were landlords who were the owner of lands and farmers were tenants on their lands. Farmers were working on the lands, but they did not have ownership rights. And because of that, Jamidars did not have any interest for the betterment, for the improvement, for the development of agriculture. पहले क्या था, कुछ मध्यस्थ रहते थे, जमींदार वगैरह रहते थे, किसान मेहनत करते थे दूसरे के खेत में, किसान जो थे वो खेतों के वास्तविक मालिक नहीं थे, अंग्रेजों ने पूरे अधिकार दे दिए थे जमींदारों को, जमींदारों को मालिक बना दिया गया। अब जमींदार की खेती कर नहीं रहे हैं, किसान जो हैं वो लगान दे रहे हैं, पट्टे पर खेती कर रहे हैं, तो किसान का उतना बचता ही नहीं था कि वो इम्प्रूवमेंट कर सकें, और जमींदार कोई ध्यान नहीं देते थे। तो अब किसान लोग ध्यान दें, इम्प्रूवमेंट करें, इसके लिए क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया इसका, मतलब कि पहले बढ़ावा नहीं दिया गया, जो मध्यस्थ थे उनको ख़त्म कर दिया गया, मध्यस्थों को हटा दिया गया।
Now the tillers means the farmers have made the owners of their land. अब farmers को किसानों को उनकी जमीनों का उनकी भूमियों का मालिक बना दिया गया. तो इससे क्या फायदा हुआ? जमींदार लोग जो उन शोषण करते थे, पैसा धन मांगा करते थे, वो सारा काम खत्म हो गया. Extortion of जमींदार has been stopped when the tillers, the farmers became actual owner of the land. Second, regulation of rent, लगान का नियमीकरण. Regulation of rent means अब जो rent है उसको उसके उसके नियम बनाए गए हैं और समय समय पर उसको regulate भी करते रहे हैं, मतलब उसको change करते रहे हैं. ठीक है. Now the maximum rent on any land cannot be more than 1/3 of the crop. किसी भी भूमि पर जो अधिकतम रेंट है, लगान है, वह भूमि से पैदा हुई क्रॉप के 1/3 एक तिहाई से ज़्यादा नहीं हो सकता है. रेंट्स आर नाउ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. पहले क्या था, सरकार रेंट को फिक्स नहीं करती थी, लगान निश्चित नहीं करती थी. जितना भी जमींदार चाहते थे उतना वो उससे वसूला करते थे. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चकबंदी, भूमि की चकबंदी करी गई. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग मींस टू पूल ऑल लैंड एट वन प्लेस. इफ देयर आर डिफरेंट पीसेज ऑफ लैंड स्कैटर्ड विच आर रिलेटेड टू वन पर्सन, दीज वर ब्रॉट एट वन प्लेस. अगर किसी व्यक्ति की जमीन की भूमि कई जगह पर फैली हुई पड़ी हुई है, अलग अलग जगह पर पड़ी हुई है, तो उन सबको क्या किया गया, एक जगह एक साथ लाया गया. चकबंदी का मतलब अलग अलग फैली हुई जमीनों को एक साथ करें. कैसे करें कि एक गाँव में मान लो राम है, दूसरे गांव में श्याम है, राम की जमीनें पड़ी हुई हैं कई जगह पे, कई सारे गांव में, ए बी सी तीन गांव में पड़ी हुई है. तो राम का घर जहां पे नज़दीक है वहां पे इनको टोटल लैंड अवेलेबल करा दी गई. ठीक है. और कैसे अवेलेबल कराई गई, श्याम की जमीन जो थी उससे दी गई. श्याम की भी तीनों गांव में अलग अलग पड़ी हुई है, ए बी सी, राम श्याम तीसरे मोहन हैं, इनकी भी जमीन तीनों जगह पे पड़ी हुई है, ए बी सी तीनों गांव में. ठीक है. तो जो जिस गांव का नज़दीक था, जहां नज़दीक पड़ा, आपस में इन्होंने क्या किया, सबकी जमीन को सरकार ने पहले ले लिया. ठीक है. द गवर्नमेंट हैज taken all the land of all the three persons and then available their land at one place. उनको एक जगह पे जमीन अवेलेबल करा दिया. जैसे श्याम को राम की सारी जमीन ए वाले गांव में उपलब्ध करा दी, बी सी वाली हटा दी, बी सी वाली दूसरे को दे दी. ठीक. ऐसे ही श्याम को क्या किया, सारी जमीन जो है बी में पहुंचा दी, बी वाले गांव में पहुंचा दी, जो उनके नज़दीक का गांव था. सारी बाकी सारी किसको बांट दी, राम और मोहन को बांट दी. और मोहन को क्या किया, सी में सारी जमीन इनको दे दी, सी में एक गांव में जहां पे उनके गांव घर नज़दीक पड़ रहा था वहां दे दी. बाकी सारी जो जमीन थी वो राम और श्याम में बांट दी. मतलब ऐसे ही गवर्नमेंट ने किया कि जिसकी जमीन इधर उधर सब फैली हुई थी सब एक जगह कर ली, उनके गांव के पास नज़दीक, जहां से कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. ये हुआ चकबंदी में, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में. सो द लैंड वर रिप्लेस्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सो दैट लैंड ऑफ वन पर्सन कैन बी लोकेटेड, कैन बी एट वन प्लेस. एक ही स्थान पे सर एक आदमी की सारी जमीन हो जाए, इसलिए
लैंड को क्या किया, रिप्लेस किया गया, आपस में चेंज किया गया, इंटरचेंज किया गया। सो बाय 2004 मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज ब्रॉट अंडर कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स। तो 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि को इस चकबंदी में लाया गया, चकबंदी के अंतर्गत लाया गया। सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स इज मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स, मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स टू 1% वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स का मतलब भूमि का जो जोत है, भूमि जोतों का निर्धारण किया गया, एक व्यक्ति कितना अधिकतम भूमि रख सकता है इसको निश्चित कर दिया गया, उससे ज़्यादा की जमीन वो नहीं रख सकता है। अब नाउ द सरप्लस लैंड विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर फार्मर्स हु वांट टू वर्क, जो गरीब किसान हैं खेती करना चाहते हैं उन्हें जो ज़मीन एक्स्ट्रा है मैक्सिमम सीलिंग के बाद जो एक्स्ट्रा जमीन बची हुई है वह क्या किया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा, दूसरे गरीब लोगों को दे दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, गरीब लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है मेहनत करना चाहते हैं वो मेहनत करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी कुछ नहीं करते थे, खाली पड़ी रहती थी तो उसका यूज हो जाएगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि, सहकारी खेती, कृषि सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज इंक्रेज सो दैट देयर मे बी बार्गेनिंग, देयर मे बी सम बार्गेनिंग पावर टू द स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड ओनर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी कुछ क्रय बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, क्रय विक्रय की जो मोल भाव करने की क्षमता है वो बढ़ जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। बिकॉज स्मॉल फार्मर्स नीड इक्विपमेंट, दे कैन नॉट बाई अलोन, वो अकेले नहीं खरीद सकते क्योंकि उनकी इनकम कम है, बट इफ दे आर कलेक्टिवली डूइंग फार्मिंग, दे आर मेकिंग फार्मिंग अंडर कोऑपरेटिव सिस्टम, देन दे कैन हैव सम मनी एंड फ्रॉम दैट मनी दे कैन बाय सम इम्प्लीमेंट्स। अगर सब लोग मिल के खेती करेंगे सामूहिक रूप से सहकारी कृषि करेंगे तो क्या होगा, कई लोग मिल के खेती करेंगे तो कुछ कुछ पैसा जोड़ के सब लोग मशीनरी वगैरह खरीद सकते हैं, मशीनी खरीद लेंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी। वेन दे टुगेदर प्रोड्यूस द गुड एंड गो टू मार्केट टू सेल द प्रोडक्शन, देन दे कैन बार्गेन, दे कैन गेट बेटर प्राइस ऑफ दियर फूड, दियर अभी आवाज आ रही है सही से सबको, अगर सब लोग मिल के खेती करेंगे तो क्या होगा, तो अभी भी आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही है, अभी आ रही सही आ रही है, ठीक है। सब लोग मिल के खेती करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मार्केट में बेचने जाएंगे तो उनकी अच्छी बार्गेनिंग होगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, उनको ज़्यादा अच्छी कीमत मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही जो आने जाने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगी, दियर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल आल्सो बी सेव्ड। तो उनके जो यातायात की लागतें भी बच जाएंगी। अब टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार के दो मुख्य उद्देश्य, पहला टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल सो दैट दे विल बी एबल टू जनरेट सम सरप्लस फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड दे द सरप्लस कैन बी इन्वेस्टेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। पहला जो उद्देश्य था वो था कि गरीब जो किसान हैं जो वास्तव में खेती करते हैं उनका शोषण रोका जाए, जिससे कि उनके पास कुछ धन बचे, उस धन का वो लोग क्या करेंगे, उसको निवेश करेंगे, कहाँ निवेश करेंगे, आगे भूमि को सुधार करने में, डेवलप करने में, कुछ मशीनी वगैरह खरीदने में, ठीक है।
सेकेंड थिंग टू प्रमोट इक्वलिटी इन रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समानता को बढ़ावा देने के लिए. सम पीपल वर वेरी रिच विद दे हैव वेरी लार्ज पीसेस ऑफ लैंड बट अदर वर लैंडलेस लेबरर्स. कुछ लोग गांव में क्या थे, बहुत अमीर थे, जिनके पास बड़े बड़े भूखंड थे, बड़ी बड़ी भूमि थी, लेकिन जो दूसरे लोग थे बिल्कुल भूमिहीन थे, भूमिहीन कह सकते. तो उसको बढ़ावा देने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए ये काम किया गया. ठीक है, ये अभय तुम कितनी देर में आते हो? अभय, चैतन्य, हर्षिता, अभय, चेतन, हर्षिता, जया, निरपाल, राशि, शैलजा, शेखर, टाइम पे आया करो तुम लोग. अब ये बताओ, ये जो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज है, ये कौन सी तरह का रिफॉर्म है? टेक्निकल रिफॉर्म है या लैंड रिफॉर्म है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है? मध्यस्थों का अंत कौन सी तरह का रिफॉर्म है? शैलजा, शेखर, जल्दी बोलो, कौन सी तरह का रिफॉर्म है, कौन सी तरह का सुधार है? मध्यस्थों का अंत, मध्यस्थ तो थे, उनका मध्यस्थों का अंत कौन सी तरीका का सुधार हो कहलाएगा? हाँ रूपाली, बताओ, मध्यस्थों का अंत क्या है? टेक्निकल रिफॉर्म में टेक्नोलॉजी चेंज की जा रही है, टेक्नोलॉजी तो नहीं बदली जा रही है, क्यों नीरज बदली जा रही है? यहाँ पे तो केवल लैंड रिफॉर्म हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो रहा है, संस्थागत सुधार में आएगा. कौन से तीन तरह के सुधार हमने बताए हैं जिनका नाम लिया है, बताओ कौन कौन से तीन तरह के सुधारों का नाम हमने लिया है, कौन से हैं तीन तरह के सुधार? मोहिनी, दीपक पढ़ते, बताओ तुम दोनों लोग कौन से तरह के तीन तरह के सुधार हैं, तीनों के नाम बताओ. मोहिनी, दीपक पढ़ते, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या तुम दोनों को? यस सर, यस सर, बताओ कौन से तीन तरह के सुधार हैं, तीनों के नाम क्या हैं? रूपाली, तुमको नहीं सुनाई पड़ रहा है? टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यस सर, यस सर, क्या होता है सर? केमिकल फर्टिलाइजेशन के यूज. हाँ, टेक्निकल रिफॉर्म मतलब टेक्नोलॉजी चेंज करना, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी चेंज करना. जो मेथड हम अपनाए थे पहले वाला, वो सब छोड़ के नई टेक्नोलॉजी, मशीनरी, नए बीज, नए फर्टिलाइजर्स वगैरह, इन सब का यूज करना हो गया. टेक्नोलॉजी जो भी इन सब चीज़ों में आते हैं वो सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए हैं. ठीक है, यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न मशीनरी, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये सारी चीज़ें आएंगी. ठीक है, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह, ये सब चीज़ें, मॉडर्न प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो सब चीज़ें आ गई टेक्नोलॉजी में. और इंस्टीट्यूशनल में संस्था में परिवर्तन लाना है, भूमि में परिवर्तन लाना है, लैंड रिफॉर्म जमीन से संबंधित है, जमीन इधर उधर पड़ी है सब एक जगह करना है, लैंड की क्वालिटी इम्प्रूव करना है. लैंड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि कौन सी स्थान पे, कौन से लैंड पे कौन सी फसल उगाई जाए. अब इसके बाद जो तीसरे तरीके का रिफॉर्म है, अदर रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स, अन्य सुधार या सामान्य सुधार. तो फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया. सबसे पहले
ठीक है. तो बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, ड्यू टू लैक ऑफ परमानेंट इरीगेशन फैसिलिटीज, वी वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर देन वन क्रॉप इन सम प्लेसेज ऑफ अवर कंट्री इन वन ईयर. एक साल में हम एक से ज़्यादा फसल नहीं उगा पा रहे थे अपने देश के कई हिस्सों में. क्यों नहीं उगा पा रहे थे? क्योंकि हमेशा मतलब स्थायी कोई साधन नहीं था सिंचाई का. तो सिंचाई के साधनों की, सिंचाई की सुविधाओं की वृद्धि की गई. मेनी मेजर एंड माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च. बहुत सारे बड़े छोटे सिंचाई की परियोजना जो हैं वो लॉन्च की गई. मल्टीपर्पज डैम वगैरह सुने होंगे, वो सब चीज़ें लॉन्च हुई. बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स द इरीगेशन कवरिंग द लैंड विच कवर्ड इरीगेशन हैज बीन इंक्रीज फ्राम 17% इन 1951 टू 45% एट प्रेजेंट. ये सब सरकार के सुधारों की वजह से, सरकार ने जो मेहनत की उसकी वजह से, उसके प्रभाव से हमारे देश में सिंचाई सुविधा युक्त भूमि जो है 1951 में 17% थी, बढ़कर अब 45% हो गई. यानी आज के समय में 45% भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है. सेकेंड थिंग, प्रोविजन ऑफ चीप क्रेडिट फॉर रूरल सेक्टर, फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. कैश के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ती दर पर क्रेडिट या साख की उपलब्धता के बारे में ध्यान दिया गया, उसका प्रोविजन रखा गया. अब इसके लिए क्या किया गया? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. एक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982. 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ये स्थापित की गई. द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक वॉज टू कोऑपरेट बिटवीन ऑल सच बैंक्स विच आर रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट. जितनी भी बैंक ग्रामीण सुधार, ग्रामीण वित्त या कृषि वित्त से संबंधित थी, उन सबको बढ़ावा देने के लिए, उन सबको इम्प्रूव करने के लिए, उनके आपस में कोऑपरेट करने के लिए इस बैंक को बनाया गया. जैसे रिजर्व बैंक देखते हैं, रिजर्व बैंक फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड हेल्प्स अदर बैंक्स इन द सेम मैनर. नाबार्ड इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. इट मेक सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, एग्रीकल्चरल रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. जो भी ग्रामीण वित्त से संबंधित सहकारी संस्थाएं हैं, जो भी ग्रामीण कृषि से संबंधित संस्थाएं हैं, बैंक हैं, ग्रामीण विकास बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भूमि विकास बैंक है, इस तरह की बैंकों के बीच में आपस में ये क्या करता है? सहयोग स्थापित करता है. इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर द फंड फॉर रूरल क्रेडिट, फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट. किस क्षेत्र के लिए, वित्त की व्यवस्था के लिए, वित्त की व्यवस्था का काम करता है. ये ध्यान देता है कि खेती के लिए जिनको अगर लोन की ज़रूरत है तो बैंकों के पास, बैंक की ब्रांचों के पास धन की कमी ना रहे, फाइनेंस की कमी ना रहे, उसकी व्यवस्था करते हैं. ठीक है, तो पहले क्या था, एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट सोसाइटीज थी बहुत कम थी. मोस्टली पुअर वर्ल्ड डिपेंडेंट ऑन जो एक सेक्टर फॉर्मल सेक्टर होता है, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है बहुत सारे लोग. तो बहुत सारे 90% से ज़्यादा लोन जो है, क्रेडिट है, वो गांव में इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता था. अब लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई. अब फॉर्मल सेक्टर मीन्स दो सेक्टर्स विच आर गवर्न बाई RBI. RBI के अंडर में जितने भी सेक्टर आते हैं, जितने भी फाइनेंस
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं वो सारे आते हैं फॉर्मल सेक्टर में, औपचारिक संगठन में। तो पहले अनौपचारिक संगठन से, अनौपचारिक क्षेत्र से ज़्यादातर लोन मिलता था, लेकिन अब बढ़ा, सरकार ने बढ़ाया। अब प्रेजेंट टाइम में 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज एंड 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स आर प्रेजेंट इन अवर कंट्री। वर्तमान में 94,647 प्राथमिक कृषि साख समितियां और 768 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मौजूद हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। और ये जो बैंक हैं हमारे देश का 72% क्रेडिट जो है प्रोवाइड करती हैं, 72% इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब संस्थागत जो उधार है, गैर संस्थागत नहीं, जो नॉन फॉर्मल वाला सेक्टर नहीं, फॉर्मल सेक्टर का 72%। अब 2017-18 में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो था, जो भी किसानों को दिया गया इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, वह 11,79,425 है। ये आकलित है, एक्चुअल नहीं है, रियल नहीं है, एस्टिमेटेड है, ठीक है। अब रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज, रेगुलेटेड मार्केट मतलब नियमित मार्केट, नियमित बाजार, और सहकारी बाजार समितियां ये बनाई गई। रेगुलेटेड मार्केट्स आर सम मार्केट विच आर अंडर द गवर्नमेंट, हेयर सम पर्सन फ्रॉम फार्मर्स एंड सम पर्सन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रेगुलेटिंग द मार्केट टू चेक द मार्केट टू सी वेदर द ऑल मार्केट प्रैक्टिसेस आर गुड और नॉट। जितने भी बाजार की जो कार्य हैं, सुनाई पड़ रहा है सभी को? ठीक है, सुनाई पड़ रहा है? यस सर। बैड नेटवर्क क्वालिटी। यस सर। ठीक है, तो जितने भी सरकार के मतलब समितियां हैं, सहकारी समितियां सरकार ने बनाई, बाजार के लिए सकती समितियां बनाई, और अपने खुद रेगुलेटेड मार्केट या विनियमित बाजार बनाए। विनियमित बाजार में क्या होता है, सरकार सारे नियम कानून बनाती है, समय समय पर चेक करती है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इन समितियों में किसानों के भी कुछ मेंबर होते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, और ये सब चीज़ें जो कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज, सहकारी विपणन समितियां हैं, ये एक काम ये भी करती हैं कि ये चीज़ देखती हैं कि जो बाजार में सामान आ रहा है उसकी सप्लाई ना बढ़ने पाए, अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो कीमत कम हो जाएगी। सो दीज कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज ऑल्सो रेगुलेट द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सो दैट डियर दे कैन गेट गुड प्राइस ऑफ दियर प्रोडक्ट्स दियर क्रॉप्स। दे ऑल्सो मेक डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन ईजली सेल दियर क्रॉप। ये जो अपना प्रोडक्ट लाते हैं उसको विभिन्न ग्रेड, ग्रेड होता नहीं है अलग, ए क्वालिटी का, बी क्वालिटी का, सी क्वालिटी का, तो ये ग्रेड भी करते हैं। ग्रेड करने से क्या होता है, ग्रेड देने से ये आसानी से बिक जाता है, जो अच्छी क्वालिटी का ग्रेड होगा तो लोग उस पर विश्वास करके खरीद लेते हैं, ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और स्टोरेज फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड सो दैट पुअर फार्मर्स कैन स्टोर दियर क्रॉप्स। गरीब किसान अपने फसल को सुरक्षित रख सके, इसलिए भंडारण की सुविधा भी दी जाती है, इसको भी करते हैं। जो जितने भी मेंबर फार्मर्स हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मतलब स्टोर कर सकते हैं। किसान तो गरीब रहते हैं, उनका घर तो बड़ा छोटा रहता है, वहाँ तो स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब फार्मर्स को टाइमली पेमेंट भी हो इसके लिए भी ध्यान में देते हैं।
जो भी मेजरमेंट्स या वेट वगैरह यूज किया जाता है, बांट वगैरह, तौल माप की जो भी चीजें हैं उनको भी चेक करते हैं। ये जो रेगुलेटेड मार्केट होती है वहाँ पे चेकिंग होती है बांट वगैरह की, मापन की जितनी भी चीजें हैं उनको टाइम टाइम पर चेक किया जाता है। अब ये लास्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली नीति। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली नीति ये क्लास 9 में पढ़े थे ना, एमएसपी पॉलिसी। हियर गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मर्स बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप। जब क्रॉप की बुवाई होती है उसके पहले सरकार न्यूनतम दर निश्चित कर देती है हर प्रकार की फसल के लिए, सो दैट द फार्मर्स आर टेम्प्टेड, दे आर प्रमोटेड, दे फील दे आर सेफ, देयर प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड। इफ नो वन इज रेडी टू बाय देयर प्रोडक्ट्स द गवर्नमेंट कैन बाय देयर प्रोडक्ट्स ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इससे जितने भी किसान हैं अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट खरीदने वाला कोई ना कोई है, अगर बाजार में उनको अच्छी कीमत नहीं बिकती है उन्हें सरकार उन्हें अच्छी कीमत देगी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित किया है कम से कम उस कीमत पे उनका सामान बिक जाएगा, उनका उत्पादन बिक जाएगा। अब वे यह नहीं सोचते हैं कि ऐसा ना हो हमने प्रोडक्शन किया मेहनत की और बाद में कुछ बिके ही ना, तो बाजार में अनिश्चितताएं हैं, कभी कीमत कम होती है कभी ज़्यादा होती है, इन सब अनिश्चितताओं से भी बच जाते हैं। फार्मर्स आर सेव्ड फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट फॉल एंड राइज इन द प्राइसेस, फॉल एंड राइज इन द सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हो गया अगला जो टॉपिक है वो कल होगा। और किसी के पास जैसे पुरानी बुक हो स्टैटिस्टिक्स वगैरह की, TRJN वाली या कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की हो, तो वो स्कूल भेजवा देगा, अगर कोई किसी के पास होगा हो तो भेजवा देना हमें। ठीक है, अगर पढ़ी रहेगी तो कोई काम नहीं आएगी, कुछ टाइम बाद रद्दी में भेज दोगे, इससे अच्छा किसी को दे देना, ये कोई 11th क्लास वाला मांगे तो उसे दे देना या हमारे पास भिजवा देना। ठीक है, अगर कोई के पास हो हिंदी इंग्लिश वाली जो भी हो। ठीक है, आप सभी लोग एग्जिट हो जाएं।